आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनीष के भांजे हैं। आशीष बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। हालांकि ये वक्त ऐसा नहीं है कि आपसे बात करी जा सके, लेकिन हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे जानने की आपसे कि क्या माहौल था उस वक्त और क्या जानकारी आप लोगों को शुरुआत में मिली थी, प्लीज हमसे जरूर साझा करिए। भैया जानकारी तो ऐसे मिली कि आप बस एक्सीडेंट सा हो गया है, ऐसे बस जानकारी मिली कि बस मतलब मामा जी हमारे घर में, ऐसी जानकारी मिली। और फिर वहां से पहुंच के मतलब बहुत ही ऐसा माहौल था कि चारों तरफ पुलिस 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 थी और सब यही बोल रहे थे कि आप मतलब शव को लेके जाइए और पहले जांच होगी, फिर उसके बाद में कुछ होगा। मतलब कोई ना रिपोर्ट लिखने को तैयार था, ना कोई बात सुनने को तैयार था। अच्छा। तो यही सब चल रहा था वहाँ पे। पुलिस वाले क्या कह रहे थे कि वो मामला दर्ज करेंगे, रिपोर्ट दर्ज करेंगे या नहीं करेंगे? पुलिस वाले बस यही कह रहे थे कि एक्चुअली ऑन ड्यूटी थे पुलिस वाले और हम उनके खिलाफ ऐसे रिपोर्ट नहीं दर्ज करेंगे। और ये कह रहे थे कि मतलब रिपोर्ट नहीं दर्ज करेंगे, पहले जांच होगी और कमेटी बैठेगी, उसके बाद ही कुछ मतलब कि किया जाएगा। अच्छा। ऐसे वो कुछ भी मतलब रिपोर्ट के FIR तक लिखने के लिए तैयार नहीं थे, कह रहे थे एक बस आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए, बाकी का वो बाद में देखा जाएगा। आप गोरखपुर गए थे? जी भैया, रात में ही गोरखपुर में। क्या था वहाँ माहौल, क्या था जब आप गोरखपुर पहुंचे उस कमरे पर? मैं पहुंचा तो भैया इतनी सारी गाड़ियां वहाँ पे लगी थी पुलिस वाले और वहाँ मतलब पूरी मतलब सब लोग आ रहे थे जा रहे थे, मतलब कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। बस ये हो रहा था कि मतलब एक्सीडेंट हो गया, गिर गए हैं, ऐसी चोट लग गई है, और मतलब कोई मानने को तैयार नहीं था कि यहाँ पे पुलिस की गलती है, किसकी गलती है। बस ये कहा जा रहा था कि आप जाइए लेकर से और एप्लीकेशन दे दीजिए, कोई भी दिक्कत हो आप एप्लीकेशन दे दीजिए और वो बाद में देखा जाएगा और इसको यहीं पे लेके जाइए, बस ये कहना चाह रहे थे वो लोग। अच्छा, कल CM साहब से मुलाकात हुई है मीनाक्षी जी की, क्या बातचीत हुई उसमें और क्या आप लोगों ने अपनी जो शिकायतें थी वो उनसे बताई? देखिए मुलाकात जब हुई उनसे तो उनसे उन्होंने आश्वासन दिया कि मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और CBI जांच भी करने के लिए बोला है उन्होंने। और ये भी बोला है कि मतलब मुआवजा भी दिया है 10 लाख रुपये और बोला कि अभी और भी मुआवजा दिया जाएगा और नौकरी की भी बात हुई है मानसी के। अच्छा चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और कृपया करके मीनाक्षी जी का और बच्चों का ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत बिल्कुल, शुक्रिया, धन्यवाद आपका।